ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरित। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड उत्तरार्ध अध्याय 123। गणेश कृत राधा प्रशंसा, पार्वती राधा संभाषण, पार्वती के आदेश से सखियों द्वारा राधा का श्रृंगार और उनकी विचित्र झांकी, ब्रह्मा शिव अनंत आदि के द्वारा राधा की स्तुति। श्री नारायण कहते हैं, नारद, सती राधा ने गणेश की विधि पूर्वक भली भांति पूजा करके स्तुति की और सर्वांगों में पहनने योग्य बहुमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण प्रदान किए। राधा द्वारा किए गए पूजन और पूजा सामग्री को देखकर तथा स्तवन सुनकर शांत स्वरूप गणेश शांत स्वभाव वाली त्रिलोक जननी राधा से मधुर वचन बोले। श्री गणेश ने कहा, जगन माते है, तुम्हारी यह पूजा लोगों को शिक्षा देने के लिए है। शुभे, तुम तो स्वयं ब्रह्म स्वरूपा और श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर वास करने वाली हो। ब्रह्मा शिव और शेष आदि देवगण, सनकाद मुनिवर, जीवन मुक्त भक्त और कपिल आदि सिद्ध श्रोमण, जिनके अनुपम एवं परम दुर्लभ चरण कमल का निरंतर ध्यान करते हैं, उन श्री कृष्ण के प्राणों की तुम अधिदेवी तथा उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर परम प्रियतमा हो। श्री कृष्ण के दक्षिणांग से माधव हैं और वामांग से राधा प्रादुर्भूत हुई हैं। जगत जननी महालक्ष्मी तुम्हारे वामांग से प्रकट हुई हैं। तुम सबके निवास भूत वस को जन्म देने वाली परमेश्वरी, वेदों और लोकों की ईश्वरी मूल प्रकृति हो। मातः, इस सृष्टि में जितनी प्राकृतिक नारियां हैं वे सभी तुम्हारी विभूतियां हैं। सारे विश्व कार्य रूप हैं और तुम उनकी कारण रूपा हो। प्रलय काल में जब ब्रह्मा का त्रोभाव हो जाता है, वह श्रीहरि का एक निमेश कहलाता है। उस समय जो बुद्धिमान योगी पहले राधा फिर परात्पर कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण का सम्यक उच्चारण करता है, वह अनायास ही गोलोक में चला जाता है। इससे व्यतिक्रम करने पर वह महापापी निश्चय ही ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। तुम लोकों की माता और परमात्मा श्रीहरि पिता हैं, परंतु माता पिता से भी बढ़कर श्रेष्ठ पूज्य वंदनीय और परात्पर होती है। इस पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में यदि कोई मंदमते पुरुष सबके कारण स्वरूप श्री कृष्ण अथवा किसी अन्य देवता का भजन करता है और राधिका की निंदा करता है, तो वह इस लोक में दुख शोक का भागी होता है और उसका वंश छेद हो जाता है तथा परलोक में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर्यंत वह घोर नरक में पछता रहता है। ज्ञान का उद्गीरण करने अर्थात उगलने के कारण गुरु कहा जाता है। वह ज्ञान तंत्र मंत्र से प्राप्त होता है। वह मंत्र और वह तंत्र तुम दोनों की भक्ति है। जब जीव प्रत्येक जन्म में देवों के मंत्र का सेवन करता है, तो उसे दुर्गा के परम दुर्लभ चरण कमल में भक्ति प्राप्त हो जाती है। जब वह लोकों के कारण स्वरूप शंभु के मंत्र का आश्रय ग्रहण करता है, तब तुम दोनों अर्थात राधा कृष्ण के अत्यंत दुर्लभ चरण कमल को प्राप्त कर लेता है। जिस पुण्यवान पुरुष को तुम दोनों के दुष्प्राप्य चरण कमल की प्राप्ति हो जाती है, वह दैववश क्षणार्थ अथवा उसके षोडशांश काल के लिए भी उसका त्याग नहीं करता। जो मानव इस पुण्य क्षेत्र भारत में किसी वैष्णव से तुम दोनों के मंत्र, स्तोत्र अथवा कर्म मूल का उच्छेद करने वाले कवच को ग्रहण करके परम भक्ति के साथ उसका जप करता है, वह अपने साथ साथ अपनी सहस्त्रों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य विधिपूर्वक वस्त्र, अलंकार और चंदन द्वारा गुरु का भली भांति पूजन करके तुम्हारे कवच को धारण करता है, वह निश्चय ही विष्णु तुल्य हो जाता है। मात्र है, तुमने जो कुछ वस्तु मुझे समर्पित की है उस सब को सार्थक कर डालो, अर्थात अब मेरी प्रसन्नता के लिए उसे ब्राह्मण को दे दो, तब मैं उसका भोग लगाऊंगा। क्योंकि देवता को देने योग्य जो दान अथवा दक्षिणा होती है, वह सब यदि ब्राह्मण को दे दी जाए तो वह अनंत हो जाती है। राधे, ब्राह्मणों का मुख ही देवताओं का प्रधान मुख है।
क्योंकि ब्राह्मण जिस पदार्थ को खाते हैं वही देवताओं को मिलता है। मुने, तब सती राधिका ने वह सारा पदार्थ ब्राह्मणों को खिला दिया। इससे गणेश तत्काल ही प्रसन्न हो गए। इसी समय ब्रह्मा, शिव और शेषनाग आदि देवता देवश्रेष्ठ गणेश का पूजन करने के लिए उस वट वृक्ष के नीचे आए। तब एक शिवदूत वहां जाकर उन देवताओं और देवियों से यूं कहने लगा। रक्षक अर्थात शिवदूत ने कहा, देवगण, वृषभानु श्रुता राधा ने मुझे हटाकर शुभ मुहूर्त में स्वस्ति वाचन करके सर्वप्रथम गणेश की पूजा की है। पूजन में ऐसा कहा जाता है कि जो सर्वप्रथम पूजन करता है वह अनंत फल का भागी होता है और मध्य में पूजा करने वाले को मध्यम तथा अंत में पूजने वाले को स्वल्प पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी दशा में बहुत से देव श्रोमणियों, मुनिवरों और देवांगनाओं के रहते हुए उस राधा ने गोपियों के साथ देवश्रेष्ठ गणेश की पूजा की है। दूत की बात सुनकर सभी देवताओं, मुनियों, मनुओं और राजाओं का समुदाय तथा देवांगनाएं हंसने लगीं। वहां जो रुक्मिणी आदि महिलाएं तथा देवियां थीं उन्हें महान विस्मय हुआ। तत्पश्चात सावित्री, सरस्वती, परमेश्वरी पार्वती, रोहिणी, सती संज्ञक, स्वाहा आदि देवांगनाएं तथा सभी पतिव्रता मुनि पत्नियां वहां आईं। फिर सभी देवताओं, मुनियों, मनुओं तथा मनुष्यों का दल, गण सहित श्री कृष्ण तथा अन्य अन्य जो वहां उपस्थित थे, उन सभी लोगों ने हर्षपूर्वक पदार्पण किया। तत्पश्चात उन सब ने शुभ मुहूर्त में बलवान और दुर्बल के क्रम से पृथक पृथक विविध द्रव्यों द्वारा गणेश की पूजा की। इस प्रकार पूजन करके वे सभी सुखासन पर विराजमान हुए। इसी समय पार्वती परम हर्ष के साथ राधा के स्थान पर गईं। पार्वती को आई हुई देखकर राधा उतावली के साथ अपने आसन से उठ खड़ी हुईं और हर्षमग्न हो उनसे सादर यथा योग्य कुशल समाचार पूछने लगीं। तत्पश्चात परस्पर आलिंगन और स्नेह प्रदर्शन किया गया। तब दुर्गा राधा को अपनी छाती से लगाकर मधुर वचन बोली। पार्वती ने कहा, राधे, मैं तुमसे क्या कुशल प्रश्न करूं, क्योंकि तुम तो स्वयं ही मंगलों की आश्रय स्थान हो। श्री दाम के शाप से मुक्त हो जाने पर अब तुम्हारी विरह ज्वाला भी शांत ही हो गई। जैसे मेरे मन प्राण तुम में वास करते हैं, वैसे ही तुम्हारे मुझ में लगे रहते हैं। इस प्रकार शक्ति और पुरुष की भांति हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो मेरे भक्त होकर तुम्हारी और तुम्हारे भक्त होकर मेरी निंदा करते हैं, वे चंद्रमा और सूर्य के स्थिति काल पर्यंत कुंभीपाक नरक में पछते रहते हैं। जो नराधम राधा और माधव में भेदभाव करते हैं, उनका वंश नष्ट हो जाता है और वे चिरकाल तक नरक में यातना भोगते हैं। इसके बाद 60,000 वर्षों तक वे विष्ठा के कीड़े होते हैं, फिर अपनी 100 पीढ़ियों सहित शुकर की योनि में उत्पन्न होते हैं। सर्वपूज्य पुत्र गणेश्वर की तुमने ही सर्वप्रथम पूजा की है, मैं वैसा नहीं कर पाई हूँ। यह गणेश जैसे तुम्हारा है वैसे ही मेरा भी है। देव, दुग्ध और उसकी धवलता के समान राधा और माधव में जीवन पर्यंत कभी विच्छेद नहीं होगा। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में स्थित इस महातीर्थ सिद्धाश्रम में विघ्न विनाशक गणेश की भली भांति पूजा करके तुम बिना किसी विघ्न बाधा के गोविंद को प्राप्त करो। तुम रसिका राशेश्वरी हो और श्री कृष्ण रसिक श्रोमणी हैं, अतः तुम नायिका का रसिक नायक के साथ समागम गुणकारी होगा। सती राधे, 100 वर्ष के बाद तुम श्रीदाम के शाप से मुक्त हुई हो, अतः आज मेरे वरदान से तुम श्री कृष्ण के साथ मिलो। सुंदर, मेरी दुर्लभ आज्ञा मानकर तुम अपना उत्तम श्रृंगार करो। तब पार्वती की आज्ञा से प्यारी सखियां राधा का श्रृंगार करने में जुट गईं। उन्होंने ईश्वरी राधा को रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठाया। फिर तो सखी रत्नमाला ने सामने से आकर राधा के गले में रत्नों की माला पहना दी और उनके दाहिने हाथ में मनोहर कीड़ा कमल रख दिया। पद्ममुखी ने उनके दोनों चरण कमलों को महावर से सुशोभित किया। सुंदरी गोपी ने चंदन युक्त सिंदूर की परम रुचिर मेहंदी से सीमंत के अधोभाग ललाट को सुशोभित किया।
सती मालती ने मालती की मालाओं से विभूषित करके ऐसी मनभावनी रमणीय कंवरी गूंथ कर तैयार की जो मुनियों के भी मन को मोहे लेती थी। फिर कपोलों पर कस्तूरी और कुमकुम मिश्रित चंदन से सुंदर पत्र भंगी की रचना की। मालावती ने राधा को सुंदर चंपा के पुष्पों की मनोहर गंध वाली माला और खिली हुई नम मल्लिका प्रदान की। रतिकार्यों में रस का ज्ञान रखने वाली गोपी ने परम श्रेष्ठ नायिका राधा को रत्नाभरणों से विभूषित करके रत रस के लिए उत्सुक बनाया। सती ललिता ने उनके शरतकालीन कमल दल के समान विशाल नेत्रों को काजल से आंच कर सुहावनी साड़ी पहनने को दी और महेंद्र द्वारा दिए गए पारिजात के सुगंधित पुष्प को उनके हाथ में दिया। सती गोपिका सुशीला ने पति के पास जाकर किस प्रकार सुशील एवं मधुर यथोचित वचन कहना चाहिए ऐसी नीति युक्त शिक्षा दी। राधा की माता कलावती ने विपत्ति काल में विस्मृत हुई स्त्रियों की षोडश कलाओं का स्मरण कराया। बहन सुधामुखी ने श्रृंगार विषय संबंधी अमृतोपम वचन की ओर ध्यान आकर्षित किया। कमला ने शीघ्र ही कमल और चंपा के चंदन चर्चित पत्ते पर कोमल रत्नशैया सजाई। स्वयं सती चंपावती ने चंपा के सुंदर पुष्प को चंदन से अनुलिप्त करके श्री कृष्ण के लिए दोने में सजा कर रखा। फिर उसने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए केल कदम्बों का पुष्प, मनोहर स्तवक अर्थात गुलदस्ता और कदम्ब पुष्पों की माला तैयार की। कृष्ण प्रिया ने श्री कृष्ण के लिए कपूर आदि से सुवासित श्रेष्ठ एवं रुचिर पान तथा सुगंधित जल उपस्थित किया। इसी समय देवताओं तथा मुनियों ने देखा कि जल स्थल सहित सारा आश्रम गोरोचन के समान उद्भासित हो रहा है। उस समय तीनों लोकों में वास करने वाले सभी लोगों ने राधिका के दर्शन किए, जिनके शरीर की कांति श्वेत चंपक के समान परम मनोहर एवं अनुपम है, जो ऊर्ध्वरेता मुनियों के भी मनों को मोह में डाल देती हैं, जो सुंदर केशों वाली सुंदरी षोडश वर्षीया और वटवृक्ष के नीचे मंडल में वास करने वाली हैं, जिनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं की छवि को छीने लेता है, जो सदा मुस्कुराती रहती हैं, जिनके दांत बड़े सुंदर हैं, जिनके शरतकालीन कमल के समान विशाल नेत्र कज्जल से सुशोभित रहते हैं, जो महालक्ष्मी बीज रूपा परमाद्या सनातनी और परमात्म स्वरूप श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्र देवता हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिनकी स्तुति पूजा की जाती है, जो परा ब्रह्म स्वरूपा निर्लिप्ता नित्य रूपा निर्गुणा विष्णु के अनुरोध से प्रकृति भक्त अनुग्रह मूर्ति सत्य स्वरूपा शुद्ध पवित्र पतित पावनी उत्तम तीर्थों को पावन करने वाली सत्कीर्ति संपन्ना ब्रह्मा की भी विधाती महाप्रिया महती महाविष्णु की माता राशेश्वर की स्वामिनी सुंदरी नायिका रसिकेश्वरी अग्निशुद्ध वस्त्र धारण करने वाली स्वेच्छा रूपा और मंगल की आलय हैं, सात गोपियां श्वेत चमड़ डुलाकर जिनकी निरंतर सेवा करती रहती हैं, चार प्यारी सखियां जिनके चरण कमल की सेवा में तत्पर रहती हैं, अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण जिनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, दोनों मनोहर कुंडलों से जिनके कर्ण और कपोल उद्भासित हो रहे हैं और जिनकी सुंदर नासिका में गज मुक्ता लटक रही है, जो गरुड़ की चोंच का उपहास करने वाली है, जिनका शरीर कुमकुम कस्तूरी मिश्रित सुस्निग्ध चंदन से चर्चित है, जिनके कपोल सुंदर और अंग कोमल हैं, जो कामुकी गजराज की सी चाल वाली कमनीया एवं सुंदरी नायिका कामदेव के अस्त्र की विजय स्वरूपा काम की कामना का लय करने वाली तथा श्रेष्ठ हैं, जिनके हाथ में प्रफुल्ल क्रीड़ा कमल पारिजात का पुष्प और अमूल्य रत्न जटित स्वच्छ दर्पण शोभा पाते हैं, जो नाना प्रकार के रत्नों की विचित्रता से युक्त रत्न सिंहासन पर विराजमान होती हैं, जो परमात्मा श्री कृष्ण के पद्मा द्वारा समर्चित मंगल रूप चरण कमल का अपने हृदय कमल में ध्यान करती रहती हैं तथा मन वचन कर्म से स्वप्न अथवा जागृत काल में श्री कृष्ण की प्रीति और प्रेम सौभाग्य का नित्य नूतन रूप से स्मरण करती रहती हैं, जो प्रगाढ़ भावानुरक्त
शुद्ध भक्त पतिव्रता धन्य मान्य गौरवर्ण निरंतर श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर वास करने वाली प्रियाओं तथा प्रिय भक्तों में परम प्रिय प्रियवादिनी श्री कृष्ण के वामांग से आविर्भूत गुणों और रूप में अभिन्न गोलोक में वास करने वाली देवाधिदेवी सबके ऊपर विराजमान गोपीश्वरी गुप्ति रूपा सिद्धिदा सिद्धि रूपिणी ध्यान द्वारा असाध्य दुराराध्य सद्भक्तों द्वारा वंदित और पुण्य क्षेत्र भारत में विश्वभानु नंदिनी के रूप में प्रकट हुई है उन राधा की मैं वंदना करता हूँ। जो ध्यान परायण मानव समाधि अवस्था में ध्यान निष्ठ हो राधा का ध्यान करते हैं वे इस लोक में तो जीवन मुक्त हैं ही परलोक में श्री कृष्ण के पार्षद होते हैं। तदनंतर लोकों के विधाता स्वयं ब्रह्मा ने ब्रह्माओं की जननी परमेश्वरी राधा को देखकर सर्वप्रथम स्तुति करना आरंभ किया। ब्रह्मा बोले, परमेश्वर मेरा चित्त तुम्हारे पाद पद्म के मधुर मधु में लुब्ध हो गया था, अतः उस मधु व्रत के लोभ से प्रेरित होकर मैंने पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में स्थित पुष्कर तीर्थ में जाकर 60,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, तथापि तुम्हारा अभीष्ट चरण कमल मुझे प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ तक कि मुझे स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं हुआ। तब उस समय यों आकाशवाणी हुई, ब्रह्मन् वाराह कल्प में भारतवर्ष में वृंदावन नामक पुण्यवन में स्थित सिद्धाश्रम में तुम्हें गणेश के चरण कमल का दर्शन होगा। तुम तो विषयी हो, अतः तुम्हें राधा माधव की दास्ता कहाँ से प्राप्त होगी, इसलिए महाभाग तुम उससे निवृत्त हो जाओ, क्योंकि वह परम दुर्लभ है। यों सुनकर मेरा मन टूट गया और मैं उस तपस्या से विरत हो गया, पर उस तपस्या के फलस्वरूप मेरा वह मनोरथ आज परिपूर्ण हो गया। श्री महादेव जी ने कहा, देव ब्रह्मा आदि देवता मुनिगण मनु सिद्ध संत और योगी लोग ध्यान निष्ठ हो जिनके चरण कमल का जो पद्मा द्वारा कमल पुष्पों से समर्चित एवं अत्यंत दुर्लभ है निरंतर ध्यान करते रहते हैं परंतु स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं कर पाते, तुम उन्हीं के वक्ष स्थल पर वास करने वाली हो। अनंत बोले, सुवृते वेद वेद माता पुराण मैं अर्थात शेषनाग सरस्वती और संतगण तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। नारद, इस प्रकार वहाँ जितने देव देवी तथा अन्य अन्य मुनि मनु आदि आए थे उन सब ने विनम्र भाव से राधा का स्तवन किया। यह देखकर रुक्मिणी आदि महिलाओं का मुख लज्जा से झुक गया, उन्होंने अपने शोकोच्छ्वास से रत्न दर्पण को मलिन कर दिया। निराहारा कृशोदरी सत्यभामा तो मृतक तुल्य हो गई, उसके मन का सारा गर्व गल गया। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड उत्तरार्ध अध्याय 123 संपूर्ण। जय राधा माधव।